तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही भारत की प्राथमिकता यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित देश लाने की है। इसके लिए रास्ता तय किया गया है कि पोलैंड जो सटा हुआ देश है यूक्रेन से, उसी के रास्ते भारतीय छात्र खासतौर से जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस देश सुरक्षित लाया जाएगा। और इस बीच यूक्रेन से जंग का नुकसान सिर्फ दुनिया को नहीं हो रहा है बल्कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का प्रभाव भारत तक महसूस किया जा रहा है। भारत में आज शेयर मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 2 साल में पहली बार भारत के शेयर बाजार इतना ज्यादा गिरे। इसके अलावा तेल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस युद्ध के असर और भी ज्यादा और गहरे होंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध का सबसे पहले वो असर देखिए जो इस देश के करोड़ों लोगों पर एक साथ पड़ा है। वो असर है शेयर मार्केट के डूबने का। 2 साल में पहली बार शेयर मार्केट में इतना बड़ा नुकसान हुआ। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है, भारत में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों को भी इस भारी गिरावट का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल होगा। सेंसेक्स 2702 पॉइंट गिरकर 54529 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 815 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और वो 16247 पर बंद हुआ। अब आपको आसान भाषा में इस गिरावट का मतलब बताते हैं। शाम होते होते बीएसई के मार्केट कैप में निवेशकों के 13,57,000 करोड़ रुपए डूब गए। 15 फरवरी से मुकेश अंबानी की कंपनियों को 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि गौतम अडानी की कंपनियों के 66,328 करोड़ रुपए डूब गए। मुझे ये लेमन क्राइसिस के दिन याद करा रहा है, तभी भी ऐसी भारी गिरावट हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। तभी भी मार्केट लगभग 20,000 से लेके 6,500-7,000 तक इंडेक्स आया था और आज हमने 62,000 भी ऑलमोस्ट देखा। तो इन्वेस्टर जो इन्फोसिस, रिलायंस, L&T, TCS जैसे शेयर लेके निवेश करके बैठे हैं, उनको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत में दूसरा असर तेल के दाम पर होना तय माना जा रहा है। अभी ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की वजह से सरकार ने हाथ रोके हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फौरन तेल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम भी $100 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से तेल की सप्लाई में रुकावट होगी और जल्दी ही क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। लड़ाई लंबी खिंची और दुनिया को रूस की सप्लाई आधी हुई तो दाम $150 प्रति बैरल हो सकते हैं। अब असर समझिए, अगर क्रूड $120 प्रति बैरल हुआ तो भारत में तेल के दाम ₹16 प्रति लीटर बढ़ जाएंगे और क्रूड का दाम $150 प्रति बैरल पहुंचा तो भारत में तेल के दाम में ₹34 प्रति लीटर तक का इजाफा हो सकता है। इसी तरह नेचुरल गैस अगर $1 बढ़ी तो CNG ₹4.50 प्रति किलो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल एंड डीजल का जो हम इस्तेमाल करते हैं भारत में, वो इम्पोर्टेड क्रूड पर डिपेंड होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। तो लेकिन जो इम्पोर्टेड क्रूड की कीमत होती है, इससे सरकार जो भाव से कंज्यूमर्स को देती है वो दुगना होता है। अभी सरकार को ये टैक्सेस कम करके कंज्यूमर के लिए कीमत क्या बढ़ावा मॉडरेट कर सकती है। तेल के साथ साथ जंग का सीधा असर देश की कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन बड़े फर्टिलाइजर उत्पादक देश हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर मंगाता है। अगर जंग हुई तो फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन पर असर होगा, जिससे फर्टिलाइजर की कमी होने का खतरा है। यानी युद्ध से भारत में आर्थिक नुकसान होना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। युद्ध का प्रभाव रूस से हथियारों की खरीद पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए रूस 60% के साथ सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। अब अमेरिका भारत पर रूस से हथियार न खरीदने का दबाव बढ़ा सकता है। इसकी आंच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे पर भी पड़ सकती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। एक यूनिट लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी की मार्च में डिलीवरी की उम्मीद है। बाकी की 3 यूनिट्स रूस ने इस साल सितंबर तक भारत को देने का वादा किया है।
लेकिन युद्ध से इनकी डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।